आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कोरोना संकट के बीच 15 अप्रैल से खुलेगा लॉकडाउन, योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दिए निर्देश। यूपी दवा से 48 घंटे में कोरोना का इलाज, ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट से हुआ खुलासा। उज्जैन से शर्मसार करने वाली खबर, अस्पताल में ताला और मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना की दहशत में ग्वालियर में थोड़ी राहत, छिंदवाड़ा और सिवनी में हुई सीमाएं सील। और सिंगरौली में वन्य जीवों का शिकार, करंट लगाकर शिकारी मारते हैं जानवर। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माने तो 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने इस मामले को लेकर अपने सभी विधायकों और मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 15 अप्रैल से खुल सकता है। लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थितियों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए। योगी ने कहा, 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलने पर सभी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी कि भीड़ न लगे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो मैं चाहूंगा दो कार्य, एक 15 अप्रैल से लॉकडाउन को हम खोलेंगे तो एकाएक खोल करके जमावड़ा भीड़ का न होने का है, इसमें आपकी सहभागिता, इसमें आपका सहयोग, क्योंकि 15 अप्रैल में अगर हम लोग जैसे लॉकडाउन खोलेंगे और एकाएक भीड़ इकट्ठी हो गई तो फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, और मैं इसके लिए आपका सुझाव भी चाहूंगा कि आप अपना सुझाव लिख के भेजें कि क्या होना चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर भारत समेत विभिन्न देशों में इसका इलाज खोजने के लिए प्रयोग हो रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर आई है। एक रिपोर्ट में यहां दावा किया गया है कि सिर की जू मारने की दवा से कोरोना वायरस को 48 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। डॉक्टर कायली वागस्टाफ के अनुसार कोरोना वायरस की अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में नई दवा खोजने के बजाय हम उपलब्ध दवाओं का मिश्रण बनाकर उपयोग करें तो लोगों को जल्दी फायदा मिल सकता है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, इस तरह इलाज किया जा सकता है। एंटी पैरासाइटिक दवाएं परजीवी से होने वाली बीमारियों के इलाज में काम आती है। परजीवी रोधी यह दवा HIV, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और जीका वायरस के खिलाफ पहले ही प्रभावी पाई जा चुकी हैं। डॉक्टर कायली वागस्टाफ का कहना है कि जू मारने के लिए एवरमैक्टिन नामक दवा का उपयोग होता है। द सन में प्रकाशित रिपोर्ट में मोनाश बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर कायली वागस्टाफ का कहना है कि जू मारने के लिए एवरमैक्टिन नामक दवा का उपयोग होता है। हमने पाया है कि इस दवा का एक डोज ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। दवा लेने के 24 घंटे बाद वायरस का असर खत्म होना शुरू होता है और 48 घंटे में पूरी तरह समाप्त हो जाता है। एंटीवायरल रिसर्च पत्रिका में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, बीमार सिस्टम को तत्काल ठीक कीजिए। व्यवस्था ऐसी तो हो कि इस विषम परिस्थिति में अस्पतालों के दरवाजे मरीजों के लिए खुले रहें। हालात इतने खराब हैं कि गंभीर अवस्था में मरीज अगर अस्पताल पहुंचता है तो पहले वहां ताला तोड़ा जाता है, भले ही इस दौरान मरीज दम तोड़ दे। ऐसी ही भयावह तस्वीर सामने आई है उज्जैन से, जो मानवता को शर्मसार करती है। ये खबर हुक्मरानों के दिमाग की बत्ती गुल कर सकती है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण काल में स्वास्थ्य अमला देवदूत बना हुआ है, तो वहीं कुछ जगह हालात इतने बदतर हैं कि अगर कोई गंभीर बीमार अस्पताल पहुंच जाए तो उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप बहुत संजीदा इंसान हैं, इसीलिए समय रहते एक्शन लीजिए और ये ताकीद कीजिए कि भविष्य में ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना की
पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। ये वीडियो दिखाना हमारी मजबूरी है ताकि सरकार की आंखें खुल जाएं। जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही ये महिला एम्बुलेंस से अपने घर से अस्पताल तक तो आ गई, लेकिन ये क्या, अस्पताल में ताला लगा है। एम्बुलेंस और कुछ कर्मचारी जब ताला तोड़ने की मशक्कत कर रहे थे तब महिला वाहन में तड़प रही थी। एक स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को गले लगाकर उसका ढांढस बनाए रखने का काम किया, लेकिन महिला की सांसें उखड़ रही थी। तो दूसरी तरफ अस्पताल के सन्नाटे में ताला तोड़ने की आवाजें सरकार के वादे और दावों की पोल साफ साफ खोल रही थी। अरे भाई साहब एक मिनट, यहाँ पर ताले की चाबी भी नहीं है, यहाँ पर चाबी भी नहीं है। अस्पताल की लापरवाही उजागर करने की इससे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें कोई हो ही नहीं सकती। दानीगेट निवासी 58 साल की महिला को गुरुवार देर रात माधव नगर अस्पताल में भेजा गया था। यहां से उसे आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए रेफर किया गया, मगर यहां वार्ड के ताले की चाबी ही नहीं मिली। कुछ कर्मचारी ताला तोड़ते रहे, इस दौरान महिला बाहर एम्बुलेंस में अंतिम सांसें ले रही थी। करीब 45 मिनट बाद जब ताला टूटा और उसे वार्ड में भर्ती कराया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला इलाज के अभाव में दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। मध्य प्रदेश में एक तरफ राजनीतिक उठापटक रही तो दूसरी ओर कोरोना संकट। ऐसे में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने बड़ी चुनौती आ गई है, यह कहना है स्वदेश के प्रबंध संपादक अक्षय शर्मा का। एडिटर व्यू में देखते हैं पत्रकार अक्षय शर्मा का नजरिया। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां प्रदेश में, देश में और विश्व में निर्मित हो गई हैं वह हम सभी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ये वह समय है जब हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर मानव जाति को, संपूर्ण समाज से की इससे रक्षा करनी है, और इससे लड़ने के लिए जहां एक और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरे प्राणपण से इसमें जुटी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इससे मुकाबला करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय पहले ही 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में जाने के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से मध्य प्रदेश में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन किया है, और जिन परिस्थितियों में सरकार का गठन हुआ उसके बाद में मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान जी के सामने प्रस्तुत हो गई है। अकेले ही वो इस पूरी अपनी टीम का नेतृत्व अभी अधिकारियों के माध्यम से कर रहे हैं। कैबिनेट का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन कैबिनेट की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता, उनकी शक्ति, इस पर किसी को संदेह नहीं है। वो जिस मेहनत से काम करते हैं उस पर भी किसी को संदेह नहीं है, लेकिन एक टीम होना इस समय बहुत आवश्यक है, जो कि स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, अन्य नगरीय प्रशासन विभाग, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं मध्य प्रदेश के, उन सब में बहुत बारीक नज़र रखने की आवश्यकता है। हालांकि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, खुद फील्ड में जाकर भी वो लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, चिकित्सा कर्मियों का, सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय बहुत आवश्यकता है महसूस की जा रही है कि उनके साथ एक टीम भी हो। उस टीम का नेतृत्व करने के लिए उनके पास में जो परिस्थितियां अभी निर्मित हुई हैं
उसमें 14 तारीख तक जब तक के लॉकडाउन है तब तक तो कोई भी कैबिनेट विस्तार के लिए उन्होंने स्वयं ही मना कर दिया है। आने वाले समय में उसके बाद जो कैबिनेट गठन का जो एक प्रक्रिया है वो एक निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगी। ग्वालियर में कंप्लीट लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने थोड़ी सी राहत दी है। कलेक्टर ने किराना की दुकान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोलने की ढील दी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के समय में भी छूट दी गई है। ग्वालियर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जिला अधिकारियों की बैठक के बाद कलेक्टर ने किराना की दुकान सुबह से शाम 4 बजे तक खोलने की ढील दी है। इस बीच कुछ अतिरिक्त पेट्रोल पंप और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सब्जी मंडी को अभी नहीं खोला जाएगा। प्रशासन ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की है। हम लोग रेगुलर समीक्षा कर रहे हैं और कोरोना को लेकर हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। हमने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी। हम लोग बॉर्डर पे सख्ती भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर में जो कोरोना का आंकड़ा ना बढ़े। अभी हमने कल और परसों के लिए कुछ छूट दी है, किराना में भी हमने छूट दी है। हालांकि सब्जी मंडी नहीं खुलेगी, लेकिन किराना कल हम लोग 8 बजे से 4 बजे तक खोल रहे हैं। इसके अलावा गैस, कुछ पेट्रोल पंप, इन सब में 8 से 4 की हम छूट दे रहे हैं अगले 2 दिनों के लिए। समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो। देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर में कचरा प्रबंधन इको ग्रीन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में एक चाइनीज व्यक्ति कई महीनों से मौजूद है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और चीनी नागरिक के बारे में जानकारी जुटा रहा है। ग्वालियर में एक चाइनीज व्यक्ति की मौजूदगी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर के सिटी सेंटर स्थित शारदा विहार कॉलोनी में रहने वाले सोन जाऊ इको ग्रीन कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में तैनात हैं और अपने हिंदुस्तानी साथियों के साथ ग्वालियर में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अभिषेक मिश्रा नामक कोरोना वायरस मरीज के मिलने के बाद सिटी सेंटर क्षेत्र के 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट घोषित किया गया था। इसके चलते डोर टू डोर स्वास्थ्य विभाग सर्वे कर रहा है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम शारदा विहार स्थित मकान पर पहुंची और चीनी नागरिक की मौजूदगी सहित उसके दस्तावेज चेक किए। CMHO ने चाइनीज नागरिक को हेल्थ चेकअप के लिए तलब किया है। ये चीनी नागरिक अपने देश से 14 नवंबर को ग्वालियर आया था। फिलहाल वह अपने आप को स्वस्थ बता रहा है। For 5 months, I didn't go to anywhere anymore, and now I feel very well.
टीम आई थी आज, बट ये मिस्टर संचाऊ यहाँ पे रह रहे हैं और ये पिछले फाइव टू सिक्स मंथ से यहाँ पे रह रहे हैं। इस बीच इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी कोई ट्रैवलिंग वगैरह नहीं की है एंड नाउ ही इज़ फिट एंड देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। और सुबह अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे CMO साहब आए थे और उन्होंने बोला है कि हम इनका चेकअप करेंगे, तो 5 बजे टीम यहाँ पे आएगी और इनको चेकअप करेगी इनका। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अमले के साथ बड़ा मल्हारा विकासखंड के सभी 10 क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए और ग्रामीणों से मुलाकात भी की। कलेक्टर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छतरपुर टीकमगढ़ की सीमा सहित ग्राम भगवा गुवारा रामटोरिया और बम नौरा का दौरा करके लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय बताकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उनके साथ बड़ा मलेरा SDM NR गौंड सहित भगवा बमनौरा थानों के थाना प्रभारी नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। इसी तरह कलेक्टर ने बिजावर क्षेत्र में भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों में बने सेंटर्स में लगाई जाने वाली LED OTV के बारे में पूछताछ की व कई जरूरी निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने लोगों से सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। ग्रामीण क्षेत्र में महानगरों से लौटे मजदूर सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग करके उन्हें 14 दिन तक घरों में ही रहने के निर्देश दिए थे। सिंगरौली में वन्य जीवों के शिकार करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बिजली के तार बिछाकर वन्य जीवों की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने वाले 5 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगरौली वन मंडल में 3 वन्य जीवों के शिकार करने का मामला सामने आया है। उप वन मंडल अधिकारी ने बताया कि वन्य जीव अपराधियों ने 11 KV विद्युत लाइन बिछाकर जंगल में 1 भालू और 2 सुअरों का शिकार किया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो घटनास्थल पर 3 वन्य जीवों के छत विच्छेद शव मिले। जानकारी के अनुसार पुलिस ने वन्य जीवों की हत्या करने वाले 5 में से 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव अपराध के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सिंगरौली वन मंडल के परिक्षेत्र पश्चिम सरई शिकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी। 29 तारीख को परिक्षेत्र द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई। इसमें पता चला कि गाँव के 5 लोगों द्वारा 1 भालू और 2 सुअर का शिकार 11 KV लाइन में तार फैला करके किया गया था, जिनके खिलाफ जो है वन अपराध अधिनियम क्रमांक 585/10 दिनांक 29/3 जारी किया गया है। उस 5 अपराधियों में भानु सिंह पिता रघुवर सिंह गौड़, शिव कुमार सिंह पिता चंद्र प्रताप सिंह, त्रिवेणी पठारी पिता शिवराम पठारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अपराधी वंश बहादुर सिंह पिता राम बहादुर सिंह, छोटे लाल सिंह पिता चंद्र प्रताप सिंह अभी फरार हैं। गिरफ्तार किए गए अपराधियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल पचौर भेज दिया गया है। समय एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, No more parties with friends. बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब no more holidays, no more shopping और no more फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? Really? डैडी बने हो? देवदास नहीं। जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने
की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर के गजराजा राजा मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए 1000 कोरोना टेस्ट किट की व्यवस्था की गई है। इस किट के ट्रायल रिपोर्ट के लिए इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भेजा गया है, जिसके बाद यहां कोरोना की जांच शुरू हो सकेगी। ग्वालियर के GRMC में 1000 कोरोना टेस्ट किट आने से अब इसके मरीजों की जाँच न सिर्फ जल्दी हो सकेगी बल्कि रिपोर्ट भी जल्द मिल सकेगी। दरअसल अभी तक कोरोना संदिग्ध मरीज के जांच के सैंपल DRG भेजे जा रहे थे। GRMC में 1000 टेस्ट किट आने के बाद इसके ट्रायल रिपोर्ट के लिए ICMR को भेजा गया है। वहां से रिपोर्ट ओके होने पर मेडिकल कॉलेज में कोरोना और उससे संबंधित जांचें शुरू हो सकेंगी। इसमें कोरोना वायरस के अलावा स्वाइन फ्लू सहित अन्य वायरल संक्रमण से संबंधित बीमारियों की जांच भी शामिल है। ये बहुत अच्छी खबर है कि GRMC जो हमारा गजराजा मेडिकल कॉलेज का माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर 1000 किट आ चुकी हैं और उसको उन्होंने उसका जो वो रहता है ओके रिपोर्ट के लिए उन्होंने ICMR भेजा हुआ है। जल्दी ही वहाँ से ओके रिपोर्ट आ जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से वहाँ पर वो टेस्ट वहीं करना शुरू कर देंगे और वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक पूरा 12 घंटे खुला रहता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल और जल्दी रिपोर्ट जो है वो हमें यहीं से गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से मिलने लगेगी और हमारा जो DRD है उसमें भी रेगुलर अभी चल ही रहा है। छिंदवाड़ा में कोरोना के 2 मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियातन सिवनी से जुड़े सभी कस्बों की सीमाओं को सील कर दिया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा से आने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग भी की जा रही है। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण का मरीज मिला तो सिवनी प्रशासन हरकत में आ गया और सिवनी जिले के कस्बों से छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन ने छपारा के राजस्व ग्राम की सीमा गोरखपुर निवारी में चेक पोस्ट बनाया है। छिंदवाड़ा बॉर्डर से लगी इस सीमा को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर सघन चेकिंग की जा रही है। इस चेक पोस्ट पर संबंधित पटवारी, सचिव, कोटवार, पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर समझाइश दी गई है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण जन घरों पर रहें, अति आवश्यक कार्य से ही घरों से निकलें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिवनी में कोरोना से लड़ने के लिए आधुनिक मशीन से पूरे शहर में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इसके लिए कई सामाजिक संगठनों ने भी प्रशासन की मदद की। सिवनी में आधुनिक मशीन से लाइजोल दवा का शहर के कोने कोने में छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को निष्प्रभावी बनाने के लिए शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही गली मोहल्लों में तेजी से दवा का छिड़काव किया जा रहा है। जिला प्रशासन का सहयोग करने जागरूक नागरिक और समाजसेवी भी आगे आ रहे हैं। फर्टिलाइजर कारोबारी आशीष अग्रवाल ने UPL कंपनी की आधुनिक मशीन जिला प्रशासन को दवा छिड़काव के लिए उपलब्ध कराई है। आधुनिक मशीन से कई किलोमीटर की सड़क को सैनिटाइज किया गया है। पंख की तरह फैले मशीन के स्प्रे सिस्टम से कम समय में अधिक क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर, दमकल वाहनों की मदद से जिला प्रशासन द्वारा गली मोहल्लों व अन्य क्षेत्रों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना को लेकर ग्वालियर में अलर्ट घोषित है, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए बेमतलब घूम रहे एक अनजान व्यक्ति की पुलिस ने पिटाई कर दी। लोगों ने उसे कोरोना संक्रमित समझकर उस पर सैनिटाइजर डाल दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट पर है। इसके बाद भी वहां कुछ लोग घरों से निकलकर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। शहर के भीतर
आवारा घूम रहे एक आमजन युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। युवक खुद को गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला बता रहा है। वह राजस्थान के रास्ते होशंगाबाद होते हुए ग्वालियर पहुंचा है। यह युवक फूलबाग स्थित गुरुद्वारे के पास घूम रहा था। लोगों ने इसे कोरोना का संदिग्ध समझकर इस युवक पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो? रियली? डैडी बने हो? देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्टार्टअप का सपना, एक घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।